कौन है भगवान की मौसी बताइए? मतलब रिश्ते में नहीं, पर वो कहती थी, गोपी पूछती कौन है तू, कौन लगती है कन्हैया की, तो बोलती मौसी लगती हूँ मैं कन्हैया, पूतना मौसी। ठाकुर जी बोले बढ़िया जी, मौसी है दुनिया की, मौसी आती है टॉफी चॉकलेट लेके आती है, तो पहली मौसी है आती आते जहर पिलाने लगी। पर चलो हमने ही कहा है पत्रम पुष्पम फलम तो हम, हमको तो पत्ता चढ़ाओ फूल चढ़ाओ जहर चढ़ाओ हम वो भी पी लेंगे, चलो जहर ही सही। तो पूतना ने जैसे ठाकुर जी को विष पिलाया, ठाकुर जी दूध पीने लगे, दूध पीते पीते आँख बंद कर ली, जैसे कोई बच्चा को कड़वी दवाई पिलाओ मुगली घुट्टी पिलाओ तो एकदम आँख नाक बंद करके गट 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 एक बार में पी जाता है, तो ऐसे ही ठाकुर जी विष का पान करते आँख बंद करके। और फिर जब लगा कि अब इसका उद्धार जरूरी है तो जैसे प्राण खींचे घबराई कान्हा को लेके आकाश में, अरे ओ कन्हैया अरे ओ लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी बोले मौसी कन्हैया छोड़वे वारेन में ते ना है, कन्हैया पकड़वे वारेन में ते, एक बार पकड़ के जो छोड़ दे वो दुनिया करे, मैं नहीं कर सकूं, मैं तो एक बार जाकु पकड़ लियो सब पकड़ लियो, अब तो उद्धार करके ही छोड़ूंगो। सो उड़ती गई और ठाकुर जी ने उसके प्राणों को खींचा, एक बगीचे में गिरी और वहीं पूतना का उद्धार हो गया। मारी नहीं भगवान कृष्ण ने पूतना को, मारा नहीं, क्योंकि भगवान के हाथ से कभी कोई मर ही नहीं सकता, भगवान के हाथ से मरना भी तरना माना गया, उद्धार माना गया। ये जितने भी दैत्य है ना ब्रज में जो आए अघासुर बकासुर देनकर, ये कोई भी दैत्य नहीं है, पूर्व जन्म के कुछ ना कोई ऋषि था, कोई ऋषि पुत्र था, कोई देवता था, कोई श्राप कोई अपराध हो गया जिसके कारण ये पूतना कौन थी जानते हो? नहीं पता। पूतना राजा बलि की बेटी थी, बलि की बेटी रत्नमाला, वामन भगवान जिसके दरवाजे पर गए तीन पग भूमि मांगने, तो जैसे इस रत्नमाला ने छोटे से वामन भगवान को देखा तो इसके मन में वात्सल्य उमड़ आया और मन में आया ऐसा काश हमारा बेटा होता तो मैं उसको लाड़ लड़ाती दूध पिलाती। तो वामन भगवान बोले तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो मैं तुम्हारे स्तन से दुग्ध पान करूंगा। पर जैसे तीन पग भूमि में रत्नमाला के सामने भगवान ने बलि का सब कुछ छीन लिया तो इसको बड़ा गुस्सा आया, ये तो दिखने में ही भोला है पर है बड़ा चालू आदमी, इसने तो हमारे कुछ भी नहीं छोड़ा तीन पग भूमि में। तो क्रोध आया और क्रोध आकर के उसने कहा ऐसा मेरा बालक होता तो उसको तो दूध में जहर मिला के पिला देती। भगवान बोले ये भी तथास्तु, तेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। तो ठाकुर जी आज माँ की तरह भी ये दूध पिला रही है, इससे दूध पी रहे हैं और एक शत्रु के जैसे भी, शत्रु भाव दोनों भाव, इसलिए ठाकुर जी ने उद्धार किया है, तारा है मारा नहीं। शास्त्र कहते हैं जो गति माता यशोदा देवकी को दी ना भगवान ने वही पूतना को भी दी, कम वा दयालु शरणम ब्रजे। तो भगवान ने पूतना का उद्धार किया।